स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 15, खट्टे अंगूर। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले पिक्चर को ध्यान से देखिए। ये क्या है, ये क्या लटक रही है, ये बेल किसकी है? ये बेल है अंगूर की। ठीक है, क्या है ये अंगूर के, देखो ये गुच्छे लटके हुए हैं। और ये क्या है, ये एक फॉक्स है, ठीक है, जिसे हम लोमड़ी कहते हैं। ठीक है, बहुत ही सुंदर सी पोएम है, ये कविता है, ये आप इसको याद कर लेना। चलिए आइए, और इसकी एक स्टोरी भी है ना, लेकिन आपकी बुक में कविता है, तो आइए आप कविता को पढ़ते हैं। एक लोमड़ी भूखी प्यासी चली ढूंढने खाना, दिन भर घूमी इधर उधर पर मिला न उसको दाना। चलते चलते एक बाग में निकल गई वो दूर, वह दूर देखा उसने लटक रहे हैं बड़े बड़े अंगूर। क्या देखा, एक लोमड़ी बहुत भूखी प्यासी थी और वो खाना ढूंढने चली गई। फिर वो दिन भर इधर उधर घूमी लेकिन उसको कुछ भी नहीं मिला। चलते चलते वो बाग में गई, बहुत दूर निकल गई। उसने देखा उस बाग में अंगूर लटक रहे हैं और वो भी कैसे बड़े बड़े। ठीक, अब आगे है, पके पके अंगूर देख कर है ना मुंह में आया पानी, उछल उछल कर लगी पकड़ने उन्हें लोमड़ी रानी। अब पके पके अंगूर देख कर तो उसके मुंह में पानी आ गया। आपको भी आ जाता है ना, जब अच्छे अच्छे अंगूर देखते हो, कोई फ्रूट देखते हो, तो उछल उछल कर पकड़ने लगी लोमड़ी। खूब प्रयास किया उसने, खूब कूदा, खूब उछला, लेकिन आगे क्या होता है। मगर बहुत ऊंचाई पर थे अंगूरों के गुच्छे, मीठे मीठे प्यारे प्यारे मोती जैसे अच्छे। लेकिन वो जो अंगूर थे बहुत हाइट पे थे, लोमड़ी बेचारी छोटी सी, अंगूरों के गुच्छे ऊंचे ऊंचे, लेकिन मीठे मीठे प्यारे प्यारे मोती जैसे अच्छे। लेकिन बहुत ही अच्छे लग रहे थे, ऐसा लग रहा था कि अंगूर बहुत ही मीठे हैं, क्योंकि वो देखने से पता चल रहा था। आखिर उनको पकड़ न पाई, आखिर में क्या हुआ, वो हताश हो गई और वो नहीं पकड़ पाई। हो गई थक के चूर, फिर क्या हुआ, वो थक गई, बहुत थक गई। जाते जाते बोली कितने खट्टे हैं अंगूर, मतलब जब उसको अंगूर हाथ नहीं आए तो उसने बोला हट छी ये अंगूर तो खट्टे हैं, खट्टे अंगूर खाएगी तो क्या हो जाएगा, उसके दांत खट्टे हो जाएंगे, इसीलिए वो चली गई। तो हमारा चैप्टर समाप्त होता है, धन्यवाद।